दोस्तों आपका स्वागत है सीरियसली स्ट्रेंज चैनल में, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की अजीबोगरीब आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियां और किस्से। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए जानते हैं गद्दाफी के शासन के समय लीबिया से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों के साथ मिले होने का आरोप लगा। अमेरिका ने वर्ष 2011 में दुनिया को जितनी बातों के बारे में बताया, भारत में भी कई लोग आज तक उन्हीं बातों को सच मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते हैं कि अगर आज सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जिंदा होते तो दुनिया की तस्वीर अलग होती। आज गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी लीबिया के नागरिकों का एक बड़ा तबका इस बात से असहमत नजर आता है कि गद्दाफी एक तानाशाह था या फिर वो आतंकियों को बढ़ावा देता था। आइए आज हम आपको उन 10 खास बातों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लीबिया ने अमेरिका जैसे कई देशों के सामने भी एक आदर्श पेश किया था। घर हर व्यक्ति का मानवाधिकार। दोस्तों गद्दाफी का मानना था कि घर हर व्यक्ति और परिवार के लिए मानवाधिकारों से जुड़ा मुद्दा है, ऐसे में घर पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। गद्दाफी की वर्ष 1975 में पब्लिश हुई ग्रीन बुक में ये बात लिखी थी, शिक्षा और इलाज में था बेस्ट। दोस्तों गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया अरब और अफ्रीकी क्षेत्र में एक ऐसा देश था जहां के नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और इलाज की सुविधा थी। अगर किसी नागरिक को लीबिया में किसी एजुकेशनल कोर्स या फिर इलाज की सुविधा लेने की इच्छा नहीं होती थी तो फिर उसे विदेश जाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलता था। दुनिया का 8वां अजूबा सिंचाई प्रोजेक्ट। दोस्तों गद्दाफी जिस समय लीबिया के शासक था तो उसने देश में मानव निर्मित एक नदी की डिजाइन तैयार की थी। इस नदी को यहाँ का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं और इस नदी से सिंचाई के अलावा पूरे लीबिया में लोगों को पानी आसानी से मिलता था। खुद गद्दाफी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। फ्री में शुरू होता बिजनेस। अगर किसी लीबियन नागरिक को किसी फार्म हाउस के जरिए बिजनेस की शुरुआत करनी होती तो फिर उसे एक घर मिलता, फार्म के लिए जमीन दी जाती और मुफ्त में खेती के लिए बीज दिए जाते थे। बच्चे के जन्म पर 5000 अमेरिकी डॉलर। दोस्तों कोई भी लीबियन महिला अगर किसी बच्चे को जन्म देती तो उसको खुद के लिए और उसके बच्चे के लिए सरकार की तरफ से 5000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते थे। बिजली मिलती थी फ्री। गद्दाफी के शासन में नागरिकों को मुफ्त बिजली सप्लाई होती थी। लीबिया में बिजली पूरी तरह से फ्री थी और किसी भी तरह के बिल की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पेट्रोल था सबसे सस्ता। गद्दाफी के समय लीबिया में पेट्रोल की कीमत 0.14 अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर तक होती थी। देश में बढ़ाया शिक्षा का स्तर। दोस्तों गद्दाफी से पहले लीबिया में सिर्फ 25% लोग ही शिक्षित थे, लेकिन गद्दाफी के शासनकाल में ये आंकड़ा 87% तक पहुंच गया था। 0% इंटरेस्ट पर मिलता था लोन। लीबिया दुनिया का अकेला ऐसा देश था जिसके पास खुद का बैंक था और इसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को 0% इंटरेस्ट पर कर्ज मिलता था। लीबिया पर किसी भी देश का कोई कर्ज नहीं था। गोल्ड दिनार। दोस्तों गद्दाफी ने अपने शासनकाल के खत्म होने से पहले पूरे अफ्रीकी क्षेत्र में सिर्फ एक ही मुद्रा लाने की तैयारी कर ली थी, जिसे बाद में गोल्ड दिनार कहा जाता। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताए लीबिया से जुड़ी ये 10 खास बातें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक जानकारी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आप बता सकते हैं। देखिए सीरियसली स्ट्रेंज के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज YouTube चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।